कोरोना महामारी का भय लोगों में इस कदर घर कर गया है कि ऊना के बाजारों में कर्फ्यू जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। अगले दो दिन शनिवार और रविवार को बाजार पूरी तरह से बंद होने के बाद भी लोग शुक्रवार को खरीदारी करने के लिए नहीं पहुंचे। शुक्रवार को सुबह से लेकर दोपहर तक बाजार पूरी तरह से सुनसान रहे। दुकानदार भी अपनी दुकानों पर मायूस होकर बैठे रहे। शादियों का सीजन होने के बावजूद भी बाजारों से ग्राहक नदारद रहे। दुकानों पर ग्राहक न आने से दुकानदार भी परेशान हो गए हैं। काम धंधा चौपट हो जाने से दुकानदारों को दुकानों का किराया, वर्करों का वेतन सहित बिजली बिल देने की चुनौती सामने आ गई है। चलते चलते ना समय कस्टमर बिल्कुल बाजार में नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से प्रशासन को सवाल सोचना चाहिए कि क्या हम इसको नौकरी को कैसे बढ़ाया जाए। दुकानदारों के बहुत बुरा हाल है। हम चाहते हैं कि सारा जो डिपार्टमेंट के अपने सरकार की इंस्ट्रक्शन आती हैं उनको हम फॉलो करें। हम कर भी रहे हैं, COVID-19 बहुत खतरनाक है, हम सब मानते हैं, लेकिन बिल्कुल मार्केट में कोई कस्टमर नहीं है, बिल्कुल खाली भी आ रहा है। जहां मर्जी बिल्कुल आता है तो बहुत डरा हुआ कस्टमर आता है, जिसको बहुत जरूरी है वही मार्केट में आ रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मनिंदर अरोड़ा के साथ सुधीर चौधरी की रिपोर्ट।